अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पराठे में काफ़ी सारे लच्छे नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगी पराठे को फोल्ड करने के। यूट्यूब पे तो आप काफ़ी सारे वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे डिज़ाइन भी होते होंगे, लेकिन जब आप उसे घर पर ट्राई करते हैं तो आपके पराठे वैसे नहीं बन पाते हैं। तो क्या होती है हम लोग से वैसे मिस्टेक जिससे हमारे पराठे में लच्छे नहीं बन पाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या फिर दोनों मिक्स, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सिर्फ गेहूं का आटा लें। ऐसा क्यों वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डाली है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक या फिर हसब जायका। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद रूम टेम्परेचर वाली नॉर्मल पानी लेके हम जैसे रेगुलर का आटा लगाते हैं वैसे ही इसे भी हम लगा लेंगे। तो आटा हमने लगा लिया है, अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चाय का चम्मच रिफाइंड का ऑयल ऊपर से ग्रीस कर देंगे और ढक के इसे रेस्ट पे रखेंगे ताकि हमारे आटे थोड़े और मुलायम हो जाएं। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखा था और ये देखिए हमारे डो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे मैं वापस से हल्का सा मिक्स कर लूँगी। तो वापस से मैंने आटे को नीड कर लिया है। तो यहाँ पे 2 कप आटे में मैं 4 लच्छे पराठे रेडी कर रही हूँ बड़े साइज के, तो उसके लिए मैं पेरे भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखें, रोटी से थोड़ा सा बड़ा हमें लच्छा पराठा के पेड़े बनाने हैं, क्योंकि इसकी साइज़ भी थोड़ी बड़ी होती है और रोटी से ये थोड़ा मोटा भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब एक पेड़े को हम ले लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें बिल्कुल पतला और बिल्कुल बड़ा सा बेलने हैं, जितना बड़ा आप से बेल सकें। बेसिकली जो है हमें बिल्कुल पतले साइज़ का, बिल्कुल थिन साइज़ का रोटी चाहिए। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल पतले साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हम 1 से 2 चाय का चम्मच थोड़ा सा रिफाइंड का ऑयल इस पर ग्रीस करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आपको पहला तरीका इसे मोड़ने का। तो पहले तरीके में हम कुछ इस तरह से करेंगे कि लास्ट के आखिरी छोर को इस तरह से मोड़ेंगे और दूसरे को उसके अपोजिट साइड। बेसिकली मैं बताऊं सिंपल वे में, तो जैसे बचपन में हम कार्डबोर्ड की पंखे बनाते थे, तो कैसे हम पहले एक को सीधा फिर एक को उल्टा, उसी तरह से हमें इसे भी पूरे पराठे को बना लेने हैं। तो ये देखिए, बस ये रेडी है। अब इसे हम हल्का सा बिल्कुल हाथों की मदद से इसे लंबा कर लेंगे। अब जो पराठे की आखिरी छोर है उसे हम इस तरह से करके रोल करेंगे और ऐसे ही करके हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारे लच्छा पराठा के पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब इसे हमें बेलने हैं। बेलने हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे, पहले के स्टार्टिंग में हम इसे हाथों की मदद से ही इसे फ्लैट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप शुरुआत में ही बेलन की यूज़ करेंगे तो आपके लच्छे पराठे में लेयर्स नहीं आ पाएंगे, तो बेहतर है कि आप इसे हाथ से ही पहले करें और आखिर में बिल्कुल हल्का सा प्रेशर से ही आप इसे बेलें। इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्यों मैंने सिर्फ गेहूं के आटे लिए हैं, मैंने मैदा नहीं लिए हैं। वो ये रीज़न है कि जब आप इसे फ्लैट करेंगे हाथों की मदद से तो मैदा स्ट्रेचेबल होता है, जब आप उसे फ्लैट करेंगे वो वापस से सिकुड़कर छोटी हो जाएगी और आटे के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इसे बहुत ईजिली हाथों की मदद से इसे फ्लैट कर सकते हैं और आपके पराठे में बहुत सारे लच्छे आ सकते हैं, जो कि बेलन से बेलने के बाद आपके पराठे में लच्छे नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए, हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हैं। अब दूसरी ट्रिक से मैं आपको बता देती हूँ पराठे फोल्ड करने की दूसरी मेथड।
तो दूसरे मेथड में हम सेम वैसे ही पतली रोटी बेल लेंगे बड़ी साइज की, और उसके ऊपर वापस से मैं 1 से 2 चाय का चम्मच रिफाइन का ऑयल ग्रेस कर ले रही हूँ, और उसे अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे, या फिर आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये रेडी है, मैंने इसे बहुत सारे पतले लेयर्स कट कर लिए हैं। अब इसे हम एक पास करेंगे दोनों तरफ से। अब जब ये नज़दीक आ जाए तो इसे हम हल्का सा बिल्कुल इस तरह से रोल करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देने हैं, और आखिर के छोर को हम वापस से सेम प्रोसेस से जैसे हमने पहले किए थे वैसे ही इसकी पेड़ बना लेंगे। और बस जो ये आखिरी छोर है इसको हम इस तरह से करेंगे जैसे हम जूड़े बनाते हैं उस तरह से। तो ये देखिए ये भी रेडी है हमारे दूसरे टिक से लच्छा पराठा के पेड़े। तो इसे भी हम हल्का सा हाथ से इस तरह से फ्लैट करेंगे और बस थोड़ा सा बेलन से बेलेंगे, बिल्कुल हल्का सा, बेहतर हो कि आप हाथ से ही उसे फ्लैट करें। तो यहाँ पे मैंने ड्राई आटा ले लिए हैं, मैं हल्के हाथों से बेलन से हल्का सा इसे बेल लूँगी, और आखिर में फिर हाथों से करेंगे। और बस ये रेडी हो गए हमारे लच्छे पराठे। तो अब ये रेडी है कुक होने के लिए, तो हम तवा रख देंगे चूल्हे पे, और जब अच्छे से तवा गर्म हो जाए तो अब लच्छे पराठे को हम इसके ऊपर डालेंगे, और 1 मिनट के बाद इसकी साइज चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी फ्लेम है वो मीडियम हाई है, क्योंकि हमारे लच्छे पराठे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, बिल्कुल मीडियम से ही हैं। 1 मिनट दूसरे साइड कुक करने के बाद 2 से 3 खाने का चम्मच इसके ऊपर हम रिफाइंड का ऑयल लगाएंगे, या फिर आप चाहें तो इस पर घी भी लगा सकते हैं। और 1 मिनट दूसरी साइड कुक होने के बाद इसे भी हम पलट लेंगे, और इस साइड में भी 1 चाय का चम्मच रिफाइंड का ऑयल लगा लेंगे। ऑयल आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा, जो भी आपको पसंद है। तो पराठे को दोनों साइड से कुक करने में हमें पूरे 4 मिनट लगे हैं, तो इसे हम हटा लेंगे, और अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के पराठे को भी रेडी कर लेंगे। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से मैंने आपको पराठे फोल्ड करने के 2 मेथड भी बता दिए, और ये आखिरी के पराठे देखे कितने सारे लच्छे नज़र आ रहे हैं। तो पराठे बनाने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और फिर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपके पराठे डेफिनेटली इतने ही लेयर्स वाले और अच्छे बनेंगे। तो अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।